कि हमारे अवधपुर धाम में आमंत्रण दिया कि जो इस धनुष का खंडन करेगा वही हमारी बिटिया सीता को बरेगा। ऐसी शर्त थी, ऐसे विधि के विधान थे। तो देश देश से बिल्कुल दाऊ साहब दो मिनट और बस ना, देश देश से वीर योद्धा आए और सीता स्वयंवर में भाग लिया। तभी हमारे गुरुजी को भी पाती मिली जो राजा रामचंद्र जी और लक्ष्मण को लेकर के वो जनकपुर प्रदेश की भूमि पर पधारे। तो देखिए क्या होता है जब विवाह शादी होती है गांव में, तो हमारी जो माताएं बहनें हैं वो बड़े खुल के सामने आ जाती हैं। हाँ, और विवाह में सबसे अधिक सहयोग वो मंगल गान हमारी माताएं बहनों के होते हैं। तो कुछ सखियों ने देखा कि एक बाबा जी के संग दो सुंदर पुरुष आए हैं। अब भैया का है तो भाईचारी पहुंच गई हो, अब ठेटोली करन लगी और कहन लगी का भगवान से प्रश्न होने लगे। बोलो, कहती हैं, अरे के कैसे अवधपुर खो लग गए संदेश। कहाँ तुम आओ बताओ, अवधपुर है कहाँ, हम आओ जनकपुर है। हाँ, कहती हैं, अरे के कैसे अवधपुर खो लग गए संदेश, सो तुम इन्होंने आ गए जनक जू के देश। रामा बंदला गे कैयो हो, लक्ष्मण बंदला गे कैयो हो, रामा बंदला गे कैयो हो, लक्ष्मण बंदला गे कैयो हो, रामा बंदला गे कैयो हो, लक्ष्मण बंदला गे कैयो हो। हाँ, कैसे अवधपुर खो लग गए तो तुम इन्होंने आ गए जनक जू के देश। रामा बंदला गे कैयो हो, लक्ष्मण बंदला गे कैयो हो, रामा बंदला गे कैयो हो, लक्ष्मण बंदला गे कैयो हो। दूसरी बात बोलो, भगवान खड़े हैं चुपचाप, दूसरी बात का कह रही सखियां बताओ। के पैदल तो आ गए सवारी ने ले आए। अच्छा, कैसी हैं, पैदल तो आ गए सवारी न लाए, ई बाबा के संग। हाँ, ई बाबा के संग अकेले भग आए। रामा बंदला Thank you.
सही बात सखियां का कह रही के गोरे हैं मात पिता गोरे हैं भाई, कहती है गोरे हैं मात पिता गोरे हैं भाई। और हाँ तुम कैसे श्याम वर्ण ए तुम कैसे श्याम वर्ण मोरे रघुराई राम कवि की कलम और इस गीत को बनाने में केवल मात्र इसी लाइन का उपयोग के लाने जो गीत बनो है पूरा। हाँ ध्यान से सुने चौथी लाइन का है। सखियां कहाँ पहुंच गई हम देखो, कहती हैं एक बात और का पूछ लें आप से, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राजा रामचंद्र जी खड़े हैं मुस्कुरा रहे हैं वो तो कहते हैं पूछ ले पसंद लगी रे बकाय से कि तुम्हारे गाँव में आए। अच्छा। तो कहती है सखियां के हमने सुनी है अवधपुर की बात। का सुनी बता के हमने सुनी है अवधपुर की बात, हमने सुनी है अवधपुर की बात, लेकिन डर है उनको बात बात नहीं कह पा रही। अच्छा। लेकिन सपना जी ने कह दी एक सहेली से के कह दे। अच्छा। कह दे तुम तो डराओ ना हम ठाणे तो का कह रही सकी के हमने सुनी है अवधपुर की बात, खीर खाए तिरियों के मोड़ा हो जा। तुम्हारे अवधपुर में महाराज ऐसा होते है। अच्छा। एक खीर खाए तिरियों के मोड़ा हो जाते सखियों ने जा कह दी के खीर खाए तिरियों के मोड़ा हो जात। अच्छा। लेकिन उनने बात तो सही कही। कैसी कही के राजा दशरथ जी के यहाँ पुत्र रत्न ना होने से हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि किस विधि से आपके यहाँ पुत्र प्राप्ति होगी। रातों रात यज्ञ कराया गया, उसमें से देवता जी निकले, उन्होंने खीर दी और राजा ने उनका बराबर भाग अपनी रानियों को खिलाया तो उनके घर में चार पुत्रों का जन्म हुआ। तो उनने भैया ऐसा ही हांसी हांसी में मसक दई कह ब्याह को तो भर हुआ और का लखनलाल जी को जानते ही हो अब सभी जने के कैसे हैं। अब देखो वह बात भैया बढ़ गई। अच्छा। के इतनी सोनी सो लखन हो गए लाल। इतनी सोनी सो लखन हो गए लाल।
एक वे सुन वे के हाँ के वे सुन वे के कछुरा खो ख्याल रामा मन लागे कहियो ओ लक्ष्मण मन लागे कहियो ए रामा मन लागे कहियो ए लक्ष्मण मन लागे कहियो अब देखें आप लक्ष्मण जी को गुस्साएं आ गई। अब इनने भी काका के दारी वंश से पता नहीं है। देखो अब का कह रहे हैं लखनलाल जी बोलो। गुस्सा में उनने कह दिया कि सुनो हम तुम्हारे ते ही किलाने नहीं आए। तो सपना जैसी जो एक भी पावनी में नहाती हुई कह लगी काय किलाने आए। तो लखनलाल जी कह रहे हैं कि तुम्हारे ते की हम बता रहे के का होत है। पहला तो तुम जा सुन ले के हम काय किलाने आए। अच्छा तो कहते हैं लखनलाल जी